और चलिए सीधा रुख कर रहे हैं भीलवाड़ा का, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपको बता दें कि धीरज गुर्जर जो है उनके घर पर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीरें वहां से हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। अशोक गहलोत जो है भीलवाड़ा में हैं और वहां से ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। नेता धीरज गुर्जर के घर पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सभी से मिल रहे हैं, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। भीलवाड़ा से सीधी तस्वीरें सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है आज उनका इसके बाद प्रतापगढ़ का दौरा है। कुछ ही देर में यहां से प्रतापगढ़ के लिए मुख्यमंत्री प्रस्थान करेंगे और वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही आज उनका सवलिया सेठ मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम है और वहां पर विशेष पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही मंदिर मंडल की जो परियोजना है उनका भी जो है शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के आवास पर फिलहाल मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और धीरज गुर्जर की दादी माँ के देहांत के बाद शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं। पुष्प अर्पित करके उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है और फिलहाल श्रद्धांजलि सभा में सीएम जो है वो मौजूद है और परिजनों से शोकाकुल जो परिजन है उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य मंत्री धीरज गुर्जर की दादी माँ के निधन पर देवलोक गमन पर मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और शोक संतप्त परिवार का ढाढ़स बंधा रहे हैं। ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई है आज, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। भीलवाड़ा से ये तस्वीरें जो है लाइव सामने आ रही है। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर के आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं और धीरज गुर्जर की दादी माँ के देहांत के बाद आज श्रद्धांजलि सभा रखी गई है। ऐसे में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, बातचीत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ के साथ समाज के भी लोग बड़ी संख्या में श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए हैं और अब मुख्यमंत्री का यहाँ से प्रस्थान मुख्यमंत्री करेंगे क्योंकि आज उनका प्रतापगढ़ का भी दौरा है, तो अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुंचे। धीरज गुर्जर की दादी माँ का देवलोक गमन हो गया था और उसके बाद शोक संतप्त परिवार का ढाढ़स बंधाने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रतापगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे, वहां पर कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, खासतौर पर जनसभा है, जनसभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का मंदिर में विशेष पूजा अर्चना का भी कार्यक्रम है और देखिए लोगों की यहाँ पर जो भारी भीड़ है जुटी हुई है। साथ के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ फोटो लेने का भी सिलसिला चल रहा है। हालांकि श्रद्धांजलि सभा है लेकिन मुख्यमंत्री का क्रेज जो है वो हर जगह देखने को मिलता है। देखिए पुष्प अर्पित करके उन्होंने राज्य मंत्री धीरज गुर्जर की दादी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और ग्रामीणों से भी मुख्यमंत्री यहाँ पर मिल रहे हैं, एक एक करके ग्रामीणों के साथ, समाज के लोगों के साथ और इसके साथ ही शोक संतप्त जो परिवार हैं उनके साथ मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, ढाढ़स बंधा रहे हैं। मुख्यमंत्री बातचीत करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और परिवार के बुजुर्ग हैं ये शायद जिनसे मुख्यमंत्री मिल रहे हैं और फिर यहाँ से एक एक करके सभी से मिलते हुए सीएम की रवानगी, यहाँ से प्रस्थान का कार्यक्रम उनका। राज्य मंत्री धीरज गुर्जर की दादी माँ का देवलोक गमन हुआ और उन्हीं के शोक श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, शोकाकुल परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, समाज के लोग भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे हुए हैं, सभी से मिलते हुए सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं। यहां से उनकी रवानगी अब होने जा रही है और अपने बिजी शेड्यूल में से मुख्यमंत्री जो है वो वक्त निकालकर यहाँ पर पहुंचे और शोकाकुल परिवार से उन्होंने मुलाकात की है, ढाढ़स बंधाया है इस दुख की घड़ी में
भगवान जो है शोकाकुल परिवार को हिम्मत दे, इसकी प्रार्थना मुख्यमंत्री ने की है। और अब यहां से मुख्यमंत्री की रवानगी, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा में मंत्री धीरज गुर्जर के आवास पर मुख्यमंत्री पहुंचे। उनकी दादी माँ के देहांत के बाद अब श्रद्धांजलि सभा ये रखी गई, और श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री समय निकाल कर पहुँचे, कुछ देर बैठे और जो शोकाकुल परिवार हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की। साथ ही समाज के लोगों से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो हैं वो मिलते हुए नजर आए। और इतनी बड़ी संख्या में देखिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, एक एक करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिल रहे हैं, अपनी अगर कोई समस्या है वो भी मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। समाज के लोग भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, तो ऐसे में समाज की क्या कुछ मांगे हैं, उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं वो भी मुख्यमंत्री से जो है वो अवगत करवाते नजर आ रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए। आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा दौरे पर हैं, और इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने आज सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की। जनसुनवाई की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भीलवाड़ा में फिलहाल मुख्यमंत्री मौजूद हैं, और यहां पर सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री रुके हुए थे तो जनसुनवाई भी उन्होंने की है। और इस दौरान बड़ी संख्या में आसपास के लोग, भीलवाड़ा के लोग जो थे वो अपने जो भी समस्याएं हैं वो लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचे। और ये मुख्यमंत्री के शेड्यूल में है, जब भी सीएम जो है वो कहीं पर जाते हैं दौरे पर तो उनका ये जनसुनवाई का जो कार्यक्रम है वो हमेशा रहता है। सुबह के वक्त मुख्यमंत्री ज़रूर ये सुनिश्चित करते हैं कि कुछ देर क्षेत्र की जनता के लिए भी मिले, ताकि जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं, वहां के लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को मुख्यमंत्री सुने और उनका तुरंत निवारण करें।